नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लांसिंग इंडिया चैनल। और आज है संडे, तो इसलिए मैं आप सभी के क्वेश्चनों के जो पूछे गए हैं उनका जवाब वीडियो में आपको लाइव दूंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आउमी थापा का, ये पूछ रहे हैं चूहों के बारे में, चूहा काट जाए तो क्या करना चाहिए या चूहों को कैसे भगाना चाहिए। तो मेरा मतलब है भाई दोस्तों, जिसको चूहे भगाने हैं तो वो दवाई वाई रख सकता है, और चूहा यदि काट जाता है तो उस बुंड को अच्छी तरह से क्लीन करें, और क्लीन करने के बाद ड्रेसिंग कर दें, और साथ ही साथ में उस टीटी का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। एक व्यक्ति हैं अनु चौधरी, उन्होंने पूछा है छछूंदर बहुत कम काट ली है, मैं क्या करूं। तो छछूंदर का काटने से, देखिए छछूंदर के काटने से और चूहे के काटने से प्लेग की बीमारी होती है, और प्लेग को हम दूर भगा सकते हैं। और दूसरी बात है, जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, वो यदि हमारे शरीर में एंट्री करता है तो उसको एंट्री ना करने दें। जैसे कि उसको अच्छी तरह से बुंड को क्लीन करें, और साथ ही साथ में जो बहते हुए पानी है उसको साबुन से रगड़ रगड़ के बुंड को क्लीन कर सकते हैं, जिस भी जगह पे है। अब बात करते हैं कि जहां भी है उसको साफ करने के बाद, या मान लीजिए ऐसी एरिया पे काटा है जहां पे आप बहते हुए पानी से नहीं धुल सकते हैं, तो उस जगह पे आप एंटीसेप्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या है, आपके इन्फेक्शन या वायरस जो लगा है वो नहीं लगेगा। और उस जगह पर आप बीटाडीन क्रीम या बीटाडीन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप वो भी नहीं है तो आप कोल्ड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बोरो प्लस और भी मार्केट के अंदर आती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्डी सोनल का क्वेश्चन है, सर मुझे एक साल पहले छछूंदर ने काटा था लेकिन मैं कोई इंजेक्शन नहीं ली थी, तो आगे कुछ नहीं होगा ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए एट ए टाइम लेना होता है, यदि आपको छछूंदर या आपको चूहे ने काटा है तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले टीटी का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। पीके रॉयल जी का एक मैसेज है मीजोप्रिल किट को लेके, कि आप पहले दिन एक टेबलेट लेनी थी, मतलब देखिए पीके रॉयल जी, मैं आपको बताऊं जो किट खाने का सही तरीका है, वो एक टैबलेट आज खानी है बड़ी, जिसमें बड़ी गोली होती है, दूसरी जो टैबलेट है आपको नेक्स्ट डे रात में खानी है, और एक अंदर रखनी है। अंदर रखने का मतलब आप इंटरनली रखना होता है, उसके नेक्स्ट डे भी इसी प्रकार करना है, एक खानी है और एक रखनी है। ये जो प्रोसेस है ये बेस्ट प्रोसेस है मेरी तरफ से, अभी तक का मैंने जितने भी लोगों को ये ट्राई किया है उन सारे लोगों को ये परेशानी थी, वो सारे लोग सही हो गए इस टेक्निक से। तो रवि कुमार जी का मैसेज है, वो पूछना चाह रहा है कि एज कितनी होनी चाहिए सांस फूलती है वाली वीडियो पर। तो देखिए सांस फूलती है तो ऐसी स्थिति में आप, एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज किसी भी एज में ये फूल सकती है, निमोनिया की शिकायत हो सकती है या फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी ये सांस फूल जाती है। पूजा कुमारी का मैसेज है छछूंदर ने काट लिया है और सितंबर में टीटी और रेबीज का इंजेक्शन लगवाया तो अभी तो लगवाने की जरूरत नहीं, प्लीज रिप्लाई मी। तो पूजा कुमारी जी, मैं आपको बताऊं डेफिनेटली, देखिए टीटी का इंजेक्शन तो ठीक है पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगता है। रेबीज का इंजेक्शन जो है डॉग बाइट में ही लगता है, जैसे डॉग बाइट में रेबीज वायरस होने के चांस होते हैं, इसलिए छछूंदर काटने के या डॉग काट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगवा सकते हैं। और यह दोबारा आपको एक महीने डेढ़ महीने के अंदर काट गया है तो आप टेंशन मत लीजिए,
टीटी का इंजेक्शन आप जरूर लगवाइए, वो बहुत जरूरी है। डॉली बंसल जी का एक मैसेज है, मधुमक्खी काटने का उपचार उस वाली वीडियो पर, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, सर मुझे थाई में काटा, साथ ही साथ मुझे फील हुआ मेरे फुल लेग में पेन, हनी लगा, सूजन नहीं आई, तो क्या मेडिसिन लें, पेन बहुत है। तो मैं आपको बताऊं, आप ऐसी स्थिति में सबसे पहले जिस जगह पर आपको मधुमक्खी ने काटा है उस जगह को आप एंटीसेप्टिक से आप साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपको जब भी मधुमक्खी काटती है उस जगह को साफ करने के बाद कोई क्रीम लगा सकते हैं। दवाइयों की बात करते हैं तो दवाइयां एक्स्ट्रा मीठा सोन जो आता है और साथ ही साथ में एविल या लिबोसेट्रिजिन मोंटलुकास्ट टेबलेट, जैसे आपको ये मैं नॉर्मल सी आपको दवाइयां बता रहा हूँ, मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, एस जीरोडोल पी ले सकते हैं और जिफी 200 mg की ले सकते हैं और सेट्रिजिन ले सकते हैं 10 mg की और बेट्रिनसोल ले सकते हैं। ये तीन खुराक आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये दवाइयां खाने से आपको स्वेलिंग नहीं होगी। परवेज खान जी का, बेटा 5 साल का है, कल रात से ठंड वाला बुखार है, कौन सी सिरप पिलाएं? ठंड लग के बुखार आ रहा है, उस वीडियो पर ये मैसेज आया उनका, परवेज खान जी का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा परवेज खान जी, यदि ठंड लग के बच्चे को बुखार आता है तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे की सबसे पहले फीवर टेस्ट करें। फीवर टेस्ट करने के बाद आप बच्चे की कंडीशन देखें, फीवर कितना है, फीवर की सबसे पहले दवाइयां दें। एसीक्लो पी या एसीक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप इस सिरप का इस्तेमाल करने के बाद एंटीबायोटिक सिरप भी ले सकते हैं, जैसे कि सिफ्लोरोक्सिम जो मोनोसेप 100 mg नाम से आती है, या आप ले सकते हैं। साथ ही साथ में इसके साथ आप एजिथ्रोमाइसिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ में आप A2Z सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 तरह की आप सिरप पिलाएंगे तो बच्चे का बुखार 110% निकल जाएगा। ये आप करके देखिए, बहुत अच्छी दवाई है। स्पोर्ट्स का मैसेज है भैया का, नीरुबियान इंजेक्शन को लेके क्वेश्चन है उनका, ये रनिंग में टाइम थोड़ा तो डालता है क्या? नहीं भाई, रनिंग में कौन सा काम करता है, रनिंग में काम करता है क्या भाई? तो मैं आपको बताऊं शॉर्ट्स भैया, कि आपको रनिंग के लिए, यदि आपको रनिंग बढ़ानी है तो आप सबसे पहले एक ही काम कीजिए, इंजेक्शन आता है नैंड्रोलोन, वो आप लगवाइए। साथ ही साथ में नीरोबियन जो इंजेक्शन आता है वो बेस्ट है, वो आपके खून को दौरान को बढ़ाता है, साथ ही साथ में आपके शरीर में जो भी कमजोरी होती है उसे दूर करता है, नसों में खून का दौरान बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ये चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं, ये आपको फायदा देगा। साथ ही साथ में नैंड्रोलोन इंजेक्शन जरूर लगवाएं, वो भी फायदा देगा। अमोद कुमार जी का मैसेज है, सिंगल बर्नर हॉट प्लेट हीटर के बारे में वो पूछना चाह रहे हैं कि आप कितने प्राइस में ये लिया था। तो मैं आपको बताऊं, ये लगभग मुझे 1200 और 1300 रुपए के बीच में पड़ा था, सिंगल बर्नर हॉट प्लेट हीटर। धर्मजीत राजपूत जी का मैसेज है, एक मधुमक्खी ने उन्हें काट लिया है, यदि अंदर में जीभ में काट ले तो कैसे सही करें, बताएं प्लीज। तो भैया मैं आपको सभी को बताता हूं, मधुमक्खी कहीं भी काटती है तो आप उस जगह को साफ करें, जीभ के अंदर काट लिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीभ के अंदर लुब्रिकेंट ऑलरेडी पहले से ही होता है। अब बात करते हैं
कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप एबेल और डेक्सा का इंजेक्शन लगवा सकते हैं इंट्रामास्कुलर, और साथ ही साथ में आप टैबलेट लें जीरोडॉल पी जिफी 200 mg, टैबलेट सेट्रजिन, टैबलेट बेट्रिनसोल। ये चार टैबलेट एक बार में आपको लेनी है, दिन में 3 बार 2 डेज आप खाएंगे, दर्द खत्म हो जाएगा, सूजन भी नहीं आएगी। इकी कुमारी का मैसेज है, ठंड के साथ बुखार और वॉमिटिंग है तो क्या करें? तो आपको बताएं, ठंड के साथ बुखार वॉमिटिंग है तो आप CBC, बिडाल, SGPT, SGOT कराएं। साथ ही साथ में मेडिसिन की बात करते हैं तो टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg दिन में 3 बार, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन दिन में 2 बार 500 mg, कैप्सूल ओमीप्राजोल दिन में 2 बार, और कैप्सूल मल्टीविटामिन दिन में 2 बार आप ले सकते हैं 5 डेज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया हो, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। इसी प्रकार आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों ने मुझे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसकी आईडी है @glancinginda। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।